साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हीरा लाल जाट। आपके YouTube चैनल पर अभी एक श्रृंखला चल रही है, कंप्यूटर नॉलेज फॉर बिगनर। इसी श्रृंखला के तहत आज कुछ नवीन जानकारी आपको देने वाले हैं। कंट्रोल पैनल पर कुछ अति महत्वपूर्ण ऑप्शन हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनम्र अपील, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करना ताकि सभी साथी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके तथा इस नवीन अपडेट्स, नवीन जानकारी को अपने प्रोफेशन के अंदर यूज कर सके। यह है कंट्रोल पैनल और इस कंट्रोल पैनल के माध्यम से ही ये पूरा सिस्टम कंट्रोल में रहता है। तो अब इसके अंदर कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आपको जान लेना चाहिए और जो एडवांस लेवल के ऑप्शन हैं जो आपके यूज़ के भी नहीं हैं उनकी तरफ हम ध्यान ही देंगे, लेकिन जो आपके डेली और नियमित रूप से काम आ सकते हैं या आपको ऐसी कोई समस्या आई है तो आप उसका सॉल्यूशन अपने स्तर तक कर सकते हैं, वो ऑप्शन आज इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। कंट्रोल पैनल का एक फीचर्स है ऑटो प्ले। इस ऑटो प्ले के रिलेटेड जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक डिस्प्ले आपके सामने खुलेगा। इसका सेंस क्या है वो हम बता देते हैं। जब भी आप कोई रिमूवेबल ड्राइव, आप जैसे पेन ड्राइव या डिस्क वगैरह लगाते हैं तो उसके अंदर कोई भी पिक्चर, वीडियो, म्यूजिक वगैरह है वो ऑटो प्ले हो जाता है। मेमोरी कार्ड अगर आप लगाते हो तो भी वो ऑटो प्ले हो जाता है। डीवीडी या और कोई चीज़ आप लगा रहे हो तो भी ऑटो प्ले हो जाएगा। इस प्रकार से ये ऑटो प्ले से निजात पाने के लिए कई बार साथी कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जैसे हम कोई चीज़ लगाते हैं तो वो अंदर वीडियो या ऑडियो ऑटो प्ले हो जाता है, उससे बंद करना है तो यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर आप कर दीजिए चूज ए डिफ़ॉल्ट, यानी आप जैसे उसको चूज करेंगे तो ही ओपन होगा, वो ऑटो प्ले नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करके लास्ट में सेव बटन पर सेव कर दीजिए। उसके बाद आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी वीडियो या ऑडियो ऑटो प्ले नहीं होगा। कंट्रोल पैनल के बाकी वाले ऑप्शन ये सभी एडवांस है, इसकी ज़रूरत आपको अभी नहीं पड़ेगी, लेकिन ये जो ऑप्शन है डेट एंड टाइम, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जो टाइम है उस टाइम सेट नहीं रहता है, टाइम इधर उधर रहता है, उस टाइम को अगर सेट करना है तो कहाँ से करेंगे, ये कंट्रोल पैनल के अंदर ये ऑप्शन है डेट एंड टाइम। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक ये आपके सामने पॉपअप खुलेगा। इस बॉक्स के अंदर ऊपर आपको चेंज डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिलेगा और नीचे चेंज टाइम जोन का ऑप्शन मिलेगा। अब ये दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है चेंज डेट एंड टाइम। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर नाना प्रकार के ऑप्शन आएंगे, जैसे डेट को सेट करना है, टाइम को सेट करना है, चेंज कैलेंडर सेटिंग। इसके अंदर जाओगे तो ये पूरा कैलेंडर की सेटिंग आ जाएगी। इसके अंदर किस प्रकार से शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट और उसका टाइम कैसे सेट करना है ये सब आ जाएगा, और वीकली का जो फर्स्ट डे वो कौन सा, सब होने के बाद जैसे आप यहाँ पर कोई भी करेक्शन करेंगे तो अप्लाई वाला ऑप्शन चालू हो जाएगा, उसको अप्लाई पर क्लिक करके अंत में ओके कर दीजिए। ये आपका जो भी फॉर्मेट है वो पूर्णतः अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद इस भांति दिखाई देगा और उसके बाद आप ओके कर सकते हो। इसके अलावा एडिशनल सेटिंग भी है, लोकेशन अगर आपको सेट करनी है तो लोकेशन सेट कर सकते हैं। ये पूरे फॉर्मेट यहाँ मिलेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे वापस इस पोजीशन के अंदर आ जाएंगे, आपकी जो भी डेट और टाइम है वो सेट हो चुका है, आप इसको ओके कर दीजिए। ये आपकी घड़ी है, ये आपके अब टाइम के अनुसार सेट और व्यवस्थित रहेगी। और आप चाहते हो कि आपका जो टाइम जोन है वो सेट करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी फ़िलहाल चेन्नई, कोलकाता, मुंबई एंड दिल्ली वाला जो टाइम जोन है इंडिया का, वो टाइम जोन हमने सेट कर रखा है। बाकी कई सारे देशों का जो टाइम जोन है वो यहाँ पर दे रखा है। ये देशांतर रेखा पर जो ग्रीनविच रेखा से ईस्ट और वेस्ट की तरफ जो टाइम जोन चलता है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चलता है। आप देख लीजिए आपका टाइम जोन जो इंडिया का है वो सिलेक्ट कर दीजिए। ये कह रहा है कि जो ग्रीनविच रेखा है उससे 5.5 घंटा प्लस है, ये टाइम जोन आपको सेट करना है, इस आप ओके कर दीजिए। ये इंडिया का टाइम जोन है, वो टाइम जोन सेट हो चुका है। आपके कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा सेल रहता है अंदर, जिसके कारण कंप्यूटर की जो ऑटो डेट एंड टाइम सेट रहता है,
लेकिन कई बार वो सेल डिस्चार्ज हो जाने के कारण डेट एंड टाइम आपकी व्यवस्थित नहीं रहती है। तो आप चाहते हो कि आपका डेट एंड टाइम बिल्कुल सही रहे, ताकि आप नेट पर या गूगल पर या अन्य कोई वेबसाइट है जो आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, उस समय आपका टाइम जोन सेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम सेट नहीं होता है तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए आपका कंप्यूटर का टाइम एंड आपका जो भी टाइम जोन है वो सेट रहना चाहिए। तो ये ऑप्शन उसके लिए है, आपको मैंने बता दिया है। अगला इसका जो ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, ये क्या है? ये वो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है जो आपके पीसी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं और स्टार्ट बटन के अंदर आपको नज़र आएंगे, जैसे सेट योर डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, जैसे ये लोडिंग हो गया और ये पता चल जाएगा कि आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से स्टार्ट बटन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कर रखा है, वो डायरेक्ट आ जाएंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप सेट डिफ़ॉल्ट के अंदर जाके उनको यहाँ डाल सकते हैं, और एक्स्ट्रा अगर कोई ज़्यादा है तो उसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ये है आपका सेट योर डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, और यहाँ से चेंज ऑटो प्ले सेटिंग, ये सब इसके अंदर दे रखी है। सेट प्रोग्राम एक्सेस एंड कंप्यूटर डिफ़ॉल्ट्स, ये डिफ़ॉल्ट को चेंज करने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है। तो आपको ये ज़्यादा ऑप्शन काम नहीं आएगा, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो अगला ऑप्शन है डिवाइस एंड प्रिंटर्स, ये ऑप्शन आपके बार बार काम आता है। जब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कोई प्रिंटर सेटअप करते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। इसके अंदर जाकर आप अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटर है वो सेट कर सकते हैं। अगला जो आपके लिए ऑप्शन है वो डिस्प्ले का है। आपके जो लैपटॉप पर डेस्कटॉप पर जो डिस्प्ले हो रहा है वो किस प्रकार से डिस्प्ले होना चाहिए, उसकी सेटिंग, उसका कंट्रोल यहाँ पर है। आपके सामने डेस्कटॉप पर जो आइकन है वो स्मॉल दिखाई देने चाहिए या बड़े बड़े दिखाई देने चाहिए, वो सब सेटिंग इसके अंदर है। आप कर सकते हैं चेंज डिस्प्ले सेटिंग। उसके अलावा जो चेंज करोगे वो टेक्स्ट साइज वो कैसी होनी चाहिए वो भी हो जाएगी। उसके अलावा जो टाइटल बार है, ये ऊपर वाली कहलाती है टाइटल बार, ये टाइटल बार बड़ी रखनी है या छोटी रखनी है, उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है टाइटल बार के लिए। ये आप कितनी उसकी साइज दे सकते हो, अभी आपको ये छोटी बार दिखाई देगी, आप चाहते हो कि ये बार बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर जाके आप जैसे अप्लाई करोगे और ये आपके जो टाइटल बार है वो बड़ी हो चुकी है आपके सामने, देख लीजिए, और वापस छोटी करनी चाहो तो ये वापस अप्लाई पे करोगे, ये वापस टाइटल बार छोटी हो जाएगी। आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोलेंगे उसका ये ऊपर टाइटल बार होता है, उसकी ये सेटिंग है यहाँ पर, वो कैसा दिखाई देना चाहिए बोल्ड। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये बोल्ड, जैसे डिस्प्ले लिखा है ये आपको बोल्ड नज़र आ रहा होगा, और यहाँ से हटा के वापस अप्लाई करेंगे तो ये वापस बोल्ड यहाँ से हट जाएगा। जो भी नेम होगा, अगर आप एमएस ऑफिस खोल रहे हैं, एमएस वर्ड खोल रहे हैं या और कोई आप फंक्शन खोल रहे हो, तो उसका जो ऊपर टाइटल बार होता है वो टाइटल बार बड़ा छोटा कर सकते, उन सब की सेटिंग यहाँ से संभव है। इसका अगला ऑप्शन है इंटेल या एचडी ग्राफिक्स। ये ग्राफिक्स आपके जो भी कंप्यूटर के अंदर पिक्चर दिखाई दे रही है उसको कंट्रोल करता है, उसका हार्डवेयर का पिक्चर्स कैसा हो आपके कंप्यूटर के अंदर, उसकी ग्राफिक कैसी हो। जैसे यहाँ पर ये इस प्रकार से खुल रहा है, इसकी ग्राफिक कैसे होनी चाहिए, डिस्प्ले कैसे होना चाहिए, वो 3D में नज़र आए तो किस प्रकार से आए, इसके अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। कोई भी वीडियो देखना हो तो उसका ग्राफिक्स, उसका डिस्प्ले किस प्रकार से हो, उसका सारा कंट्रोल यहाँ पर इंटेल HD ग्राफिक्स के अंदर आपको उपलब्ध रहेगा। और अगले ऑप्शन पे चलते हैं इंटरनेट ऑप्शन। आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर कोई भी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं और उसको बाय डिफ़ॉल्ट बना रहे हैं, या उस इंटरनेट की संपूर्ण प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर है, आप उसको किस प्रकार से सेट करना चाहते हैं, जैसे जनरल वाले ऑप्शन यहाँ मिलेंगे, उसके बाद उसकी सिक्योरिटी को सेट करना तो उसके ऑप्शन यहाँ मिलेंगे, और प्राइवेसी सेट करना तो उसके ऑप्शन मिलेंगे, कॉन्टेंट और कनेक्शन किस प्रकार से करना है, सेटअप करना है। पहले केबल वाला चलता था लेकिन आजकल ज़्यादातर हॉटस्पॉट चलता है, इसलिए ये ज़्यादा इसका लैन वाले सेटिंग का ज़्यादा यूज़ आजकल कम हो गया, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल से हॉटस्पॉट पर जोड़ लेते हैं। जो भी सेटिंग है इंटरनेट वाली वो यहाँ है। ये कीबोर्ड का आपकी सेटिंग किस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए, आपको किस प्रकार से वो दिखाई देनी चाहिए, लॉन्ग शॉर्ट
और इसकी जो रिपीट की रेट है वो स्लो होनी है या फास्ट होनी, किस प्रकार से टाइपिंग होनी है, आपका जो कर्सर का ब्लिंक रेट है वो कितना होना चाहिए, इस प्रकार की ये स्पीड सेट है। फिर ये इसका हार्डवेयर है, ये सेटिंग है, आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से हैं। उसके अलावा लैंग्वेज, ये लैंग्वेज आपको कंप्यूटर के नीचे ज़रूर मिलेगी, जहाँ पर लिखा होगा ENG या HI हिंदी, इस प्रकार आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कर रखी है। जैसे हमने अभी तक दो लैंग्वेज को बाय डिफ़ॉल्ट कर रखा है, तो ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा भी आप अपने कंट्रोल पैनल के अंदर और कोई फॉन्ट जोड़ना चाहिए तो जोड़ सकते हैं। अब चलते हैं इसका अगला ऑप्शन, और इसका अगला ऑप्शन है माउस से रिलेटेड। जैसे आप माउस पे क्लिक करेंगे तो ये माउस की सेटिंग बताएगा, माउस का बटन कैसा होना चाहिए, कौन सा बटन, किस बटन को आप यूज कर रहे हैं, और वो राइट क्लिक वाला या लेफ्ट क्लिक वाला जो ऑप्शन खुलते हैं क्लिक करने पर वो कौन सा होना चाहिए आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसकी जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, स्लो या फास्ट, वो सब यहाँ से सेटिंग होता है। इसका पॉइंटर कैसा होना चाहिए, आप इसमें से कौन सा पॉइंटर यूज करोगे, तीर का निशान का करोगे या ये क्वेश्चन मार्क वाला यूज करोगे या इस प्रकार से गोल गोल घूमने वाला या प्लस वाला, आप पॉइंटर किस प्रकार से यूज करना चाहो वो भी इस सेटिंग के अंदर है। पॉइंटर्स के अंदर, पॉइंटर्स के और भी कई सारे ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलेंगे, और इसके जो व्हील है वो कितना टाइम घूमे ये भी उसने बता रखा है। ये सब चीज़ें इस माउस के जो कंट्रोल पैनल है उसके अंदर मिल जाएगी। वापस आप जो भी कर रखा है उसको ओके कर दीजिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेटवर्क शेयरिंग एंड सेंटर। ये नेटवर्क शेयरिंग एंड सेंटर क्या है, यहाँ पर आपका जो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है वो सेट कर रखा है वो यहाँ पर आएगा। अगर आपका कनेक्शन प्रॉपर नहीं है तो यहाँ से सेटअप न्यू कनेक्शन और नेटवर्क यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर बार बार कनेक्शन अप एंड डाउन या और नेट का कनेक्शन टूट रहा है तो यहाँ से ट्रबल शूट प्रॉब्लम पर क्लिक करके ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। अब इसका सबसे बड़ा ऑप्शन पर्सनलाइजेशन ये देख लेते हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कंप्यूटर का जो डिस्प्ले है और डिस्प्ले की जो सेटिंग है वो इस पर्सनलाइजेशन के अंदर मौजूद रहती है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस बात से आपका डिस्प्ले खुलेगा, आप अपने कंप्यूटर का जो डिस्प्ले है वो कैसा देखना चाहते हो। फिलहाल हमारे डेस्कटॉप का बैकग्राउंड इस भांति का है, जो अभी आपको ये पीछे नज़र आ रहा है इस भांति से। आप चाहते हो कि इसका बैकग्राउंड मैं अलग करूं या कोई तरह का फ़ोटो लाऊं या और कोई इसके अंदर मैं चेंज करना चाहूं, तो आप यहां से कोई भी बैकग्राउंड लेके उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो आपका बैकग्राउंड किस प्रकार से हो गया, इस भांति ये बैकग्राउंड पीछे हो चुका है। ये कहाँ मिलेगा, ये आपके कंट्रोल पैनल के अंदर पर्सनलाइजेशन ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अंदर जाओगे तो ये सेटिंग यहाँ पर मिल जाएगी। इस बातें का आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई फोटो वगैरह आप सेट करना चाहते हो तो भी यहाँ पर वो सेटिंग हो जाएगी। मैं वापस अपनी जो पूर्व भांति सेटिंग थी वो कर ली है, आगे बढ़ता हूँ। इसके अंदर किस प्रकार यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट या और कोई आपका बैकग्राउंड है वो कैसा दिखे, अगर आप चाहते हो कि आंखों पर रोशनी पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो आपके, तो कम आप रोशनी रखना चाहते हो तो भी यहाँ से कर सकते हो। इसका कलर किस भांति से रखना है वो कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये कलर के ऑप्शन आएंगे नाना भांति के, अभी हमने ये कलर सेट कर रखा है तो ये कलर आएगा। आप चाहते हो कि कोई और कलर यूज करूँ तो आप जिस कलर पे क्लिक करके आगे जाओगे तो ये आपका जो पीछे का बैकग्राउंड का कलर है वो कलर चेंज हो जाएगा। आपके जो विंडो के अंदर साउंड का सिस्टम दे रखा होगा म्यूजिक का, वो किस प्रकार से सेट करना है, आपका डबल स्टेरियो या सिंगल जो भी है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। लास्ट के अंदर है ये ऑप्शन स्क्रीन सेवर, आपका जो स्क्रीन सेवर है वो कैसा होना चाहिए। स्क्रीन सेवर का मतलब ये होता है कि अगर आप कंप्यूटर को छोड़ के कोई काम के लिए थोड़ा इधर उधर चले जाते हो ऑफिस के अंदर और आप चाहते हो कि आपके डेस्कटॉप दूसरों को नज़र नहीं आए, पीछे कोई बैकग्राउंड ही चलता रहे,
तो आप इस स्क्रीन सेवर के अंदर वो सेट कर सकते हैं। जैसे ही स्क्रीन सेवर पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का एक बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर नाना प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे अभी नन कर रखा है मैंने, लेकिन अगर चाहूँ तो ये 3D टेक्स्ट ब्लैंक या और भी कोई बबल्स वगैरह है, यहाँ से फोटोज़ वगैरह या रिबन्स वगैरह, इस प्रकार के कोई भी ऑप्शन को यूज करके यहाँ पर आप स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं। और इसकी कितनी टाइमिंग है वो यहाँ पर दे रखा है, अभी मैंने 1 मिनट कर रखा है। इसके अलावा यहाँ से जो भी ऑप्शन है, जैसे आप आगे सेटिंग पे जाके यहाँ पर कोई भी जैसे 3D टेक्स्ट लोगे तो ये वेट वाला ऑप्शन खुल गया है, और सामने ये लिखा हुआ जैसे मिला है विंडो 10, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं नाम चेंज करूँ, तो सेटिंग के अंदर जाके आप जो भी नाम विंडो 10 है, ये विंडो 10 नाम हटा के आप अपना नाम, स्कूल का नाम, ऑफिस का नाम या और कुछ भी जो आपको पसंद हो वो यहाँ लिख के आप इसको क्या करना चाहते हैं, स्पिन करवाना चाहते हैं या इसको धीरे धीरे घुमाना चाहते हैं या टंबल करना चाहते हैं या नन यानी एक जगह रखना चाहते हो, इसके अंदर नाना प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, वो ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। इसकी साइज लार्ज हो, स्मॉल हो, इसका रिजोल्यूशन कैसा होना चाहिए, लो या हाई, वो सब यहाँ से सेट होता है। उसके बाद आप यहाँ पर ओके कर दीजिए, ओके करने के बाद आपका ये सेटिंग यहाँ पर शो हो जाएगी। ये है आपका स्क्रीन सेवर, और इसकी पूरी सेटिंग दे रखी है, नीचे टाइम दे रखा है कितना टाइम आप करना चाहते हो, 1 मिनट में 2 मिनट में, यानी कंप्यूटर आपका पड़ा रहने के बाद कितने टाइम बाद ये शुरू हो जाना चाहिए, इसका मतलब यही है। जैसे अप्लाई पे करोगे तो यह अप्लाई हो जाएगा, और अप्लाई पे नहीं करोगे तो वापस ये नन हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन है चेंज डेस्कटॉप आइकन, आपके जो डेस्कटॉप पर आइकन है वो कैसे दिखाई देने चाहिए, जैसे कंप्यूटर वाला है इसका ऑप्शन कैसे दिखना चाहिए, दिस पीसी इस प्रकार आना चाहिए, यूजर्स जो आपकी फाइल है, अभी हमने नाम श्री दे रखा है तो वो किस प्रकार से दिखाई देनी चाहिए, इसमें से दिखाई देनी चाहिए या नहीं, जिस पे क्लिक करोगे वो दिखाई देगा बाकी नहीं देगा, तो इस प्रकार के सभी डेस्कटॉप आइकन यहाँ से सेट होते हैं। आप यहां से डेस्कटॉप आइकन सेट कर सकते हैं और उसके बाद ओके कर दीजिए, वो सेट हो जाएगा। चेंज माउस पॉइंटर, आपको पहले भी बताया ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसके अंदर आप माउस का जो भी पॉइंटर है कैसा रखना है आप रख सकते हैं, यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा पर्सनलाइजेशन था जिसको मैंने अच्छे से समझा दिया है, और आशा करूँगा कि आपको समझ में आया होगा। अब एक और बिंदु ले लेते हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, बाकी वीडियो बड़ा होने वाला है, आज एक बिंदु और ले रहे हैं, यूजर अकाउंट, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका जो भी अकाउंट इस पे बना हुआ है, अगर इस पे कोई 2-4 और वर्क करने वाले भाई हैं तो आप एक ही कंप्यूटर के अंदर अपने अलग अलग यूजर अकाउंट बना सकते हैं, सिक्योरिटी के तौर पर उसके अंदर पासवर्ड वगैरह लगा के उसको सिक्योर भी कर सकते हैं, और इस ऑप्शन के माध्यम से आप एक ही कंप्यूटर पर अनेक यूजर उसको यूजर अकाउंट बना के उसका यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन, जैसे यहाँ पर चेंज योर अकाउंट नेम, अभी यहाँ पर जो नाम लिखा है उसका अकाउंट का नाम अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको, इस ऑप्शन के माध्यम से आप चेंज कर दीजिए। चेंज योर अकाउंट टाइप, आपका अकाउंट का टाइप कैसा हो वो चेंज करना है तो ये ऑप्शन मिलेगा। नीचे वाले जो दोनों ऑप्शन हैं उसके अंदर मैनेज अनदर अकाउंट्स, अगर आप चाहते हो एक अकाउंट तो पहले से बना है और दूसरा अकाउंट आप चाहते हो और बनाना, तो यहाँ पर मैनेज अनदर अकाउंट पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर ये पहले वाला अकाउंट आ जाएगा, नीचे आएगा एड ए न्यू यूजर इन पीसी सेटिंग, यहाँ पर क्लिक करके आप एक और अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया मैनेज अनदर अकाउंट्स, और ये होगा चेंज यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग, इसके अंदर जो आपकी कंट्रोल की सेटिंग है उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड लगाना चाहते हो या पासवर्ड हटाना चाहते हो या रीसेट पासवर्ड करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएगा। इस कंट्रोल पैनल से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन की जानकारी इस वीडियो के अंदर दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलने का वादा करते हैं। तब तक के लिए आपसे लेते हैं आज्ञा, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।